करनाल से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा आज अपने लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। पहले तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से अपने प्रत्याशी का स्वागत करने के लिए कांग्रेस समर्थक जो है मौजूद हैं। इसी तरह का हुजूम समालका से लेकर करनाल तक दिखाई देगा। अलग अलग स्थानों पर इसी तरह से कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी का स्वागत करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास है कि कांग्रेस मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेगी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं मौजूद सतीश राणा जी। सतीश जी, क्या लगता है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा आ रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ जो है आज कांग्रेस समर्थक स्वागत कर रहे हैं? देखिए, पूरा घरौंडा हल्का, पूरा यूथ, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिव्यांशु बुद्धि राजे के लिए ये लाइनों में खड़े हैं पिछले 2 घंटे से। और जिस तरह से दिल्ली से संभालका पानीपत होते हुए घरौंडा की धरती पर अभी पहुंचने वाले हैं, इससे लगता है कि वो 2 लाख वोटों से इस करनाल लोकसभा से जीत कर जाएंगे, क्योंकि युवाओं में जोश है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता जोश के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस सीट को हम जिताने का काम करें। तो अब की बारी युवा नेतृत्व को कमान दी गई है, कैसे देखते हैं, कितनी मजबूती करेगी, क्योंकि मुकाबला बड़े मजबूत और हैवीवेट कैंडिडेट से। आपको बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले तो हमारे हाईकमान का, आदरणीय हुड्डा साहब का, राहुल गांधी जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे ये कि बहुत ही मजबूत उम्मीदवार को, जिसने तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। और जो आपने खट्टर साहब को सर हैवीवेट कैंडिडेट बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई तमाम दिव्यांशु बुद्धि राजा नहीं, तमाम हरियाणा का प्रदेश युवा, पूरे करनाल लोकसभा का युवा जोश, युवा शक्ति चुनाव लड़ने का काम करेगी। और आदरणीय दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को इंडियन पार्लियामेंट में बिठाने का काम करेगी, ताकि वो हमारी आवाज़ देश की सबसे बड़ी महापंचायत में बहुत ही मजबूती से उठाने का काम करें। तो करनाल की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है पूरी हरियाणा में। जी जी। कांग्रेस पे भी काफी दारोमदार था कि कांग्रेस किसी बड़े चेहरे को यहाँ से उतारेगी, अब क्या लगता है? देखिए, इससे बड़ा चेहरा क्या होगा कि हमारा व्यापारी भाई, हमारा छोटा भाई, आज हरियाणा प्रदेश के युवा अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने जिस तरह से आज एक युवा जोश और जलवा बिखेरा है पूरी करनाल लोकसभा में, हर विधानसभा क्षेत्र वाइज हमारे आदरणीय बुजुर्ग अपने बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह आज आप घरौंडा में भी देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति आज अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस बार का परिणाम देश में दिशा और दिशा बदलने का चुनाव होगा, और छोटा भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल से खट्टर साहब को बुरी तरह परस्त करके और करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी, हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना परचम ले रहा है। कई नाम थे जो काट दिए गए हैं, क्या उसका असर नहीं होगा? देखिए, नाम कटे नहीं हैं, हमेशा राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा होती है और एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा हर जगह, ये हेल्दी कंपटीशन है। पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से ग्राउंड स्तर पे सर्वे करा करके अब ये प्रत्याशी को चुन करके भेजा है। एक युवा प्रत्याशी, एक युवा साथी, एक युवा जोश कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना के भेजा, जिनको संगठन की मजबूत पकड़ है। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दिव्यांशु छोटा भाई पंजाब यूनिवर्सिटी का भी प्रेसिडेंट रहा है और हरियाणा के आज तक सिर्फ 2 ही प्रधान बने हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके, जिनमें से दिव्यांशु भाई एक है। इनको संगठन की मजबूत पकड़ है, चुनाव लड़ने का अपना एक अलग इनका एक ऑरा है। आप देखते जाइए कि सब कह रहे थे कि कौन है दिव्यांशु बुद्धि राजा, आज देखिए हर आदमी दिव्यांशु बुद्धि राजा बनके। तो बिल्कुल, देखिए दिव्यांशु के लिए बड़ी चुनौती यही होगी कि पहले उनको बताना पड़ेगा कि दिव्यांशु बुद्धि राजा कौन है। हालांकि छात्र नेता हैं तो ऐसे में युवा शक्ति का समर्थन उन्हें जरूर मिल सकता है, और इसी के दम पर ये दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के यहाँ से मजबूत प्रत्याशी रहेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।